हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं सीबी वधवा फिर आपके साथ आज एक इम्पोर्टेंट हमारे सिनोनियम्स के टॉपिक के साथ। सिनोनियम्स जिसको क्या कहते हैं, समानार्थक। क्या कहते हैं? समानार्थक। इट मींस क्या है? सेम मीनिंग। जिनका क्या होता है? सेम मीनिंग। आज हम आपको बताएंगे कुछ HSSC के अंदर या रीट के एग्जाम के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट जो आपके वर्ड मीनिंग है, जो सेम मीनिंग है, जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपसे पूछे गए हैं। यहां पर फर्स्ट वर्ड हमारा सिनोनियम्स का है। पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या है? रिलायंस। रिलायंस का मीनिंग क्या है? रिलायंस को हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? रिलायंस को कहा जाता है भरोसा। क्या कहा जाता है? भरोसा कहा जाता है, विश्वास कहा जाता है। इट मीन्स कॉन्फिडेंस वर्ड भी इसको कहा जाता है। और इसको हम किस वर्ड के अंदर रहते हैं? ट्रस्ट। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वर्ड इसी को कहा जाता है। रिलायंस का मतलब होता है विश्वास और भरोसा, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रस्ट वर्ड यूज करते हैं, या इसके लिए बिलीव वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए कॉन्फिडेंस वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूटर। ट्यूटर का मतलब क्या होता है? ट्यूटर का मीनिंग क्या होता है? एजुकेटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक शिक्षक होता है। ट्यूटर क्या होता है? एक शिक्षक, जिसको आप क्या कहते हो? इसका सेम मीनिंग टीचर या एजुकेटर वर्ड यूज किया जाता है। इसके लिए आप ध्यान रखें, जो ट्यूटर वर्ड को शिक्षक हिंदी के अंदर कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर इसका सेम मीनिंग क्या होता है? टीचर वर्ड होता है, या इसको आप एजुकेटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड विजिलेंट। विजिलेंट का मीनिंग क्या होता है? विजिलेंट का मीनिंग अगर हम यहां पर देखें तो आपको बताएं, चेत वर्ड यूज करते हैं, या हम इसको वर्ड को क्या कहते हैं? सावधान। क्या कहते हैं? सावधान। अलर्ट का मीनिंग जो यहां पर आपको हम बताने जा रहे हैं, विजिलेंट का मीनिंग होता है अलर्ट रहना, इट मीन्स सावधान रहना। नेक्स्ट है हमारा लुब्रिकेट वर्ड। लुब्रिकेट क्या होता है? लुब्रिकेट को हम क्या कहते हैं? लुब्रिकेट को हम कहते हैं जैसे कोई चिकनी चीज होती है, चिकना तेल हो गया, या हम जिसको कहते हैं किसी चीज को क्या करना? लुब्रिकेट करना। इट मीन्स किसी को क्या करना? चिकना करना, चिकना, स्मूथ, चिकना कर देना किसी चीज को। लुब्रिकेट के लिए आप मोस्टली मशीनों के पार्ट्स के अंदर यूज करते हैं ग्रीस। ग्रीस वर्ड को क्या कहा जाता है? लुब्रिकेट कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। लुब्रिकेट और ग्रीस का मीनिंग होता है किसी पर किसी चीज को क्या करना? चिकना करना। नाइटमेयर क्या होता है? रात्रि स्वप्न होता है। क्या बोलते हैं इसको? रात्रि स्वप्न, या रात का क्या कहते हैं? सपना कहते हैं। नाइटमेयर को क्या कहते हैं? रात का सपना। जो कौन सा सपना? रात्रि स्वप्न होता है, जो बुरा सपना होता है उसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश के अंदर सेम मीनिंग क्या होता है? बैड ड्रीम। क्या वर्ड होता है? बैड ड्रीम। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारा जंक्शन। जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जंक्शन का मीनिंग होता है कोई मीटिंग प्लेस होता है। क्या होता है? मीटिंग प्लेस, जिसको हम क्या कहते हैं? मीटिंग प्लेस वर्ड को क्या कहा जाता है? मिलने का स्थान। किसका स्थान? मिलने का स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहा जाता है, मीटिंग प्लेस कहा जाता है। नेक्स्ट होता है ओरेटर। ओरेटर वर्ड का मतलब क्या होता है? वक्ता। इट मींस स्पीकर, बोलने वाले को क्या कहा जाता है? ओरेटर वर्ड यूज किया जाता है। किसके लिए? स्पीकर। स्पीकर ओरेटर सेम मीनिंग। कस्टमर को, कस्टमर को हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्राहक। क्या कहते हैं? ग्राहक। ग्राहक क्या होता है? जो वस्तु का उपभोग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर वर्ड भी यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? कंज्यूमर। नेक्स्ट वर्ड है डेविल। डेविल का मीनिंग क्या होता है? शैतान। क्या होता है? शैतान। डेविल का मीनिंग क्या होता है? शैतान, जिसको मॉन्स्टर, राक्षस कहा जाता है, या हम चाहे तो इसको क्या वर्ड यूज कर देते हैं? डेमन वर्ड यूज कर देते हैं। क्या वर्ड यूज कर देते हैं? डेमन या मॉन्स्टर, जिसको क्या कहा जाता है? राक्षस या दैत्य वर्ड यूज किया जाता है। एक्सेस। एक्सेस मीन क्या होता है? अत्यधिक, यानी बहुत ज्यादा। क्या कहा जाता है? एक्सेसिव को अत्यधिक वर्ड हम यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जो चीज हमारे पास फालतू होती है उसको कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं? सरप्लस।
आइए नेक्स्ट वर्ड फर्निश। फर्निश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तैयार करना, किसके अंदर, जैसे सजावट के रूप में किसी चीज को तैयार करना। आप इस वर्ड को क्या कह सकते हैं? डेकोरेट क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डेकोरेट करना मतलब किसी चीज को सजाना या सजावट करना या किसी चीज को तैयार करना, जिसको आप क्या कहते हैं? डेकोरेट। नेक्स्ट है गनमैन। गनमैन को हम क्या कहते हैं? बैंडिट वर्ड यूज करते हैं। बैंडिट क्या होता है? लुटेरा। क्या होता है? लुटेरा या डाकू, जिसको आप रोबर वर्ड भी यूज कर देते हैं या बैंडिट वर्ड यूज करते हैं। गनमैन बंदूक वाला आदमी। नेक्स्ट है बैरन। बैरन वर्ड हम किसको यूज करते हैं? बैरन का मीनिंग क्या होता है? बंजर। जो चीज क्या होती है? जो जमीन, जो जगह क्या होती है? किसी भी काम में नहीं आती, बंजर जमीन होती है, बैरन, जिसको हम किस वर्ड के अंदर यूज करते हैं? डिजर्ट होता है, मरुस्थल या बंजर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोगेंट। क्या नेम है? एरोगेंट वर्ड। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति क्या होता है? घमंडी होता है या अहंकारी, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राउड। अहंकार या घमंड, जिसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एरोगेंट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 15 नंबर पर है अलायंस। अलायंस का मतलब क्या करना? किसी प्रकार का क्या करना? अलायंस करना मीन्स समझौता करना। क्या करना? समझौता करना, जिसको आप क्या वर्ड यूज करते हैं? एग्रीमेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीमेंट। संधि भी कह सकते हैं इस वर्ड को। अलायंस करना, संधि करना या समझौता करना, जिसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? असेस। असेस का मतलब क्या होता है? असेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जोर या दबाव से कहना, किसी चीज को दबाव से कहना या जोर से कहना, असेस वर्ड यूज करते हैं। असेस के अंदर क्या चीज आता है? स्ट्रेस। क्या वर्ड यूज करते हैं? स्ट्रेस, किसी चीज को दबाव देकर कहना, इट मींस स्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कंपाइल करना। कंपाइल का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना? संग्रह करना। इट मींस किसी चीज को क्या करना? इकट्ठा करना। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? किसी के लिए अरेंज करना। किसी वर्ड के लिए क्या होता है? किसी का अरेंज करना या किसी चीज को क्या करना? गैदर करना। गैदर या अरेंज करना, जिसको आप क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? कंपाइल करना कहते हैं। कंपाइल का मीनिंग संग्रह करना या किसी चीज का अरेंज करना। बायकट करना मतलब किसी चीज का क्या करना? बहिष्कार करना। बायकट का मीनिंग क्या होता है? बहिष्कार करना, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूड। क्या कहते हैं? एक्सक्लूड मींस किसी का क्या करना? बहिष्कार करना। कैटालॉग क्या होती है? किसी चीज की लिस्ट तैयार करना। लिस्ट मीन क्या होती है? सूची पत्र बोल देते हैं किसी को। लिस्ट तैयार करना किसी की, इसके लिए कैटालॉग वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है? जो पर्सन आपके लिए क्या होता है? सिंसियर होता है। सिंसियर का मतलब क्या होता है? जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, जो आपका विश्वसनीय हो सकता है, जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं, वो पर्सन आपका क्या होता है? क्रेडिबल मतलब सिंसियर। तो इस तरह से हमारे ये 20 वर्ड्स किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप इनको बड़े आराम से वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, इस लेक्चर को आराम से, और आप इसी तरह से अपने YouTube चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस को कंटिन्यू प्यार देते रहे। हम आपको इस टाइप के सिलेक्टेड वर्ड जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं आपको कंटिन्यू करवाते रहेंगे, और आप कंटिन्यू इसका एंजॉय कीजिए, आनंद कीजिए। थैंक यू।